भाग दीजिए वंश विधि है सूत्र परावर्तन। परावर्तन में आपके परावर्तन निकले में क्या अंतर यही है, निकले में संख्या 100 से कम है तो इसके अंदर 100 से ज्यादा संख्या भी आ सकती है। इसमें आपको विचलन को चेंज नहीं करना है, विचलन आपको प्लस का है तो प्लस कर लिखो और माइनस का है तो माइनस कर लिखो। लेकिन आगे जो क्या देगा आपके आगे है आपको सूत्र परावर्तन। तो परावर्तन मतलब क्या होता है, जो भी आया विचलन को क्या करना है, आपको चेंज करना है। परावर्तन मतलब परिवर्तन करना है चिन्ह। कैसे देखो, सबसे पहले हमारे पास 97 है, बताओ 97 के लिए आधार क्या आएगा, 100। आधार आ गया है आपके 100। अब इसके लिए बताओ संख्या क्या दे रखी है आपके, 97 दे रखी है। तो यहाँ हम जैसे हमने निकले में करते थे पहले, यानी गुणा करते निकले में वहां कैसे निकालते थे, वैसे आपको निकालना है। यहाँ कितना है आपके 03 और ये किसका आया, प्लस का आया कि माइनस का आएगा। देखो आप बताए बताओ विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन निकालते तो क्या बताया, संख्या माइनस आधार इनटू उपादान। जैसे हमारे पास यहाँ पर केवल आधार ही उपादान होते नहीं, इसके बाहर में कोई उपादान होता नहीं, तो क्या है आधार आएगा कितना आ जाएगा, 97 - 100 बताओ कितना आएगा, 03 और किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ दे रखा है परावर्तीय, जैसे हिंदी में कहते हैं परिवर्तन, तो आप क्या करना है इसका परावर्तन लिखना है। बताओ इसका परावर्तन क्या हो जाएगा, परिवर्तन करना है किसमें, चिन्ह में परिवर्तन करना है। ये जो संख्या है किसमें है, ये माइनस में है तो किसमें हो जाएगी आपकी, ये प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 97 और ये हो गया आपको 03। अगर ये निकली मिति होती तो क्या हम यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान करते, हम यहाँ लिखते हैं प्लस लिखता। मान लो कि आप क्या हो गया, मिति कौन सी हो गई, ये मिति होगी आपके निकली मध्य होगी, क्योंकि नंबर यहाँ क्या हो गया आपके प्लस का हो गया। अब आधा कितना है, 100 है, 100 के अंदर 0 कितने हैं, 2 0 है, तो आपको क्या करना है, 2 संख्याओं को पीछे लिखना है, बाकी जो बची सब अंदर। अब यही अगर निकले में कहते तो भी आप सवाल को ऐसे ही करते, कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि हमें निकले में माइनस का ध्यान में नहीं रखना होता, बस इसमें थोड़ा चेंज आएगा कि यहाँ संख्या ज्यादा हो गई है तो चिन्ह चेंज करेंगे तो थोड़ा फर्क आएगा, माइनस का जाएगा, लेकिन ये इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके, ये निकले जैसे हो गया आपके सवाल, तो वही निकली मैं विधि वो वही होगी आपके, 2 का 2 याद रखेंगे, 2 को गुणा करेंगे इससे 06, फिर ये दोनों जोड़े कितना आएगा 1 और गुणा का कितना आएगा 03, जोड़ो 5 और ये 7, तो ये क्या आ गया 55 और ये क्या आ गया 6। ये तो जैसे हो गया निकली जैसे हुआ, ये भी निकली जैसे हुआ है, फर्क क्या हो गया देखो ध्यान दो। सबसे पहले याद करेंगे विचलन सूत्र क्या हो जाएगा, याद करने का संख्या माइनस आधार, संख्या कितनी 131, आधार कितना 100, तो कितना उत्तर आया है, किसका आया है प्लस का। अब लिखेंगे इसका परावर्तन, मतलब चिन्ह को करेंगे चेंज, दस को लिखेंगे हम माइनस, दस को लिखेंगे हम माइनस में 31, तो अब देखो ये तो हुआ है 131 संख्या ये वाली, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 31, आधा कितना है 100, तो 2 संख्या है उधर, कितनी 2 संख्या है 86, बाकी सारी इधर, ये थी उधर, बाकी कितनी बची है 133 लिखेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हम ये उतारेंगे, ये 1 हुआ, 1 को गुणा करेंगे दोनों से, माइनस का 3 माइनस का 1, कैसा लिखना पड़ेगा, अलग अलग लिखो दोनों, 3 में से 3 गया 0, 0 गुणा का कितना आएगा 0 0, अब ये दोनों 3 में से 1 गया 2 को गुणा करेंगे दोनों से माइनस, तो 2 एकम 2 और 3 × 6, ऐसा लिखेंगे माइनस करते हुए, 5 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो ये तो क्या आया है 52 और ये क्या आया है 61, तो ये ऐसा सवाल है तो उसके सूत्र परावर्तन और निकले में कोई अंतर नहीं है, पर संख्या ज्यादा आ जाएगी तो थोड़ा फर्क आएगा आपको।